छतरपुर जिला के लवकुश नगर अनुभाग अंतर्गत चंदला तहसील के रमझाला पंचायत की बेशकीमती गोचर बंजर भूमि पर पटवारी उप सरपंच बाला कुशवाहा एवं ग्राम सचिव सहायक सचिव महेश पटेल ने जुगलबंदी कर ग्राम पंचायत के करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से दबंग भूमाफियाओं को कराया कब्जा। बता दें, दबंग भूमाफिया राजेंद्र गुप्ता पिता मिजाजी गुप्ता राम नरेश खंगार शिवचरण खंगार पिता स्वामी दीन 10 से 12 बीघा गोचर भूमि पर कब्जा कर शासकीय भूमि को बेचकर प्लॉटिंग की गई, जिसके कुछ खसरा नंबर चंदला नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं, जिसकी तहसीलदार महोदय को कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन आज तक मौके वारदात पर जांच नहीं की गई। शिकायती आवेदन में ग्रामीणों ने जमीन बेचने के लगाए आरोप। बता दें, ग्रामीणों ने शासकीय भूमि से कब्जा हटाने कलेक्टर छतरपुर को सौंपा शिकायती आवेदन। ग्रामीणों ने जमीन बेचने के लगाए आरोप। रिपोर्ट भरत यादव, छतरपुर। श्रीमान जी, हमारे ग्राम पंचायत रमझाला में बंजर भूमि शासकीय प्लस गौचर भूमि में अवैध प्रकार से कब्जा किए हैं, उस जमीन को बेच रहे हैं। इसकी शिकायत माननीय हमने तहसीलदार महोदय जी के यहाँ की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत की और हमने आगे कह के आए हैं कलेक्टर महोदय से कि आगे जो शिकायत हम आपको देने वाले हैं वो आप गाह की है। कब्जा किया गया है मिजाजी गुप्ता पिता मिजाजी गुप्ता राजेंद्र लड़के का नाम है उनकी राजेंद्र पिता मिजाजी गुप्ता, जिसमें हमारे हल्का पटवारी ग्राम उप सरपंच, क्योंकि सरपंच साहब रहते नहीं, बाहर रहते हैं मुंबई में, उनके बाहर रहने का फ़ायदा उठा रहे उप सरपंच, अवैध रूप से कब्जा करवा रहे हैं ज़मीन में, मिली भगत से इनके बेच विक्रय कर रहे हैं उस जमीन को, बराबर की पार्टनरशिप रहती है। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज़।